नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। दुमका जिले में दो और गुमला लोहरदगा की दो आदिवासी महिलाओं के ऊपर हुए बर्बरतापूर्ण जानलेवा घटनाओं के विरोध में आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से राजधानी रांची के अल्बा टेक्का चौक पर पुतला दहन कर विरोध दर्ज करवाया गया। इनकी मांग है कि अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए और प्रभावित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही आदिवासी सिंगल अभियान के नेता सलखन मुर्मू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सच्चा आदिवासी होने का ढिंढोरा पीटें, विज्ञापन चमकाएं, सब खोखला साबित हो जाता है। क्योंकि झारखंड के आदिवासियों की दुर्दशा के लिए शिबू सोरेन और जेएमएम सर्वाधिक दोषी हैं, क्योंकि इन्होंने लगभग 50 वर्षों की राजनीति में कभी भी आदिवासी समाज में व्याप्त अंधविश्वास, डायन प्रथा, नशापान, वोट की खरीद बिक्री की, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था में सुधार लाने आदि पर कभी कुछ भी नहीं किया। केवल वोट और नोट के लिए राजनीति की, आदिवासी समाज की तरक्की के लिए नहीं। पिता पुत्र ने संथाली को झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाने, सरना धर्म कोड की मान्यता, स्थानीय नीति, न्याय संगत आरक्षण नीति, नियोजन नीति, विस्थापन के खिलाफ पुनर्वास नीति बनाने आदि पर भी कुछ नहीं किया। ये जो अंकिता सिंह की घटना हुई और उसके बाद और तीन आदिवासी महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण अमानवीय जो घटनाएं हुई हैं, आदिवासी संगल अभियान, हम इसका विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए और जो पीड़ित परिवार हैं उनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाए। ये सारी घटनाओं के पीछे हम माननीय शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम पार्टी को जिम्मेवार मानते हैं। कारण क्या है कि शिबू सोरेन जी और जेएमएम पार्टी लगभग 50 वर्षों से झारखंड में राजनीति करते रहे हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने आदिवासी समाज में नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, वोट को हड़िया दारू चक्रा में खरीद बिक्री, विस्थापन पलायन, इस पर कुछ कभी काम नहीं किया। इन्होंने वायदा किया हम झारखंडी डोमिसाइल लागू करेंगे, न्यायपूर्ण आरक्षण बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, कुछ नहीं किया। इन्होंने खुद CNT SPD कानून को गुरुजी शिबू सोरेन 1996 में पहले तोड़ा। अब हेमंत सोरेन ने 23 मार्च 2021 को लैंड पूल बिल बना के फिर CNT SPD कानून को तोड़ा है। ये लोग संताली को प्रथम राजभाषा बनाने के खिलाफ हैं। ये सरना धर्म कोड के मामले पर टाल मटोल की बात करते हैं।